इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में खेला गया। ये मैच इंग्लैंड ने 113 रनों से अपनी झोली में डाल लिया है। साउथहैम्पटन में पहला टेस्ट मैच गंवाने के बाद मेजबान इंग्लैंड ने वेन स्टोक्स की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मुकाबले में 113 रनों से हरा दिया। गौरतलब हो कि साउथहैम्पटन में खेला गया पहला टेस्ट वेस्टइंडीज ने 4 विकेट से जीता था। अब तीन टेस्ट मैचों की मौजूदा सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। इसके पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने पहली पारी 9 विकेट पर 469 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इस दौरान वेन स्टोक्स ने टेस्ट करियर का 10वां शतक जड़ते हुए 356 गेंदों में 176 रनों की पारी खेली थी, जबकि वेस्टइंडीज के लिए 44 रन खर्च करते हुए रोस्टन चेज ने 5 विकेट झटके थे। इंग्लैंड के 469 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 287 रनों पर सिमट गई। वेस्टइंडीज के लिए ओपनिंग बल्लेबाज क्रेग ब्रैथवेट ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। वहीं इंग्लिश तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। 182 रनों की बढ़त हासिल करने वाली इंग्लैंड की टीम ने तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी पारी में 3 विकेट पर 129 रन बनाए और पारी घोषित का ऐलान कर दिया। इस पारी में भी 78 रनों के साथ वेन स्टोक्स सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं वेस्टइंडीज के लिए कैमर रोच ने 2 विकेट झटके। इस तरह वेस्टइंडीज को 5वें और अंतिम दिन 312 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन मेहमान टीम 312 रनों का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 198 के स्कोर पर धराशायी हो गई। उनके लिए शमर ब्रुक्स ने सबसे अधिक 62 रन बनाए। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में हुआ बड़ा बदलाव। मैनचेस्टर में वेस्टइंडीज पर मिली जीत से इंग्लैंड को एक स्थान का फायदा हुआ है। अब इंग्लैंड न्यूजीलैंड को पछाड़कर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर आ गया है। अब 40 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंग्लैंड के खाते में कुल 186 पॉइंट्स हो गए हैं। दूसरी तरफ 4 मैचों के 40 पॉइंट्स के साथ वेस्टइंडीज की टीम 7वें पायदान पर है, जबकि 360 पॉइंट लेकर टीम इंडिया पहले नंबर पर विराजमान है।